बसमीम्अल दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ आई केफ कोशन बैंक टैक्सपेयर पेयर इज़ तकी अहमद सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो इट रिक्वायर्स अस टू कैलकुलेट थ्री आइटम्स टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल नाउ सैलरी का डाटा एविडेंट है सवाल से तो हम एक वर्किंग सबसे पहले बना लेते हैं जो सैलरी की वर्किंग है वो आपको पता तीन कॉलम से बनाई जाती है ग्रॉस एग्जाम टैक्सीबल ये तीन कॉलम्स आप बना लेंगे और फिर एक एक करके आइटम्स इसमें फ़ीड इन करते जाएंगे सबसे पहला आइटम जो है बेसिक सैलरी कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस इन तीनों आइटम्स में कुछ भी एग्जेंट नहीं है बेसिक सैलरी फुली टैक्सीबल है कन्वेंस अलाउंस भी फुली टैक्सीबल है इसके ऊपर कन्वेंस की वैल्यूशन वाला रूल नहीं लगेगा बल्कि ये कन्वेंस अलाउंस है अलाउंसे सारे ही टैक्सीबल होते हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के जिसमें टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेंट होता है या फिर कोई स्पेशल अलाउंस हो जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए मिला हो मेडिकल अलाउंस के लिए फिर साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं तो इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की गई है तो इसके मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी है ये जो आ, टेबल में तीन आइटम्स दिए हुए हैं इनका डायरेक्टली लिंक है अदर इंफॉर्मेशन में जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इन दो पॉइंट्स में बताया हुआ यह है कि इसकी सैलरी अगले महीने की दस तारीख को इसको मिलती है और टेन परसेंट से इंक्रीज़ uh, होता है फ़र्स्ट जुलाई से ना इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नॉर्मल टैक्स ये स्टार्ट हो रहा है वो तो फर्स्ट जुलाई 2023 से हो रहा है और फर्स्ट जुलाई 2023 जब स्टार्ट होगा तो 10 जुलाई को हमें जो तनख्वाह मिलेगी वो पिछले साल की होगी यानी जून 2023 की होगी तो उसमें वो 10 परसेंट का इंक्रीमेंट शामिल नहीं हुआ होगा तो हमें अब एक्चुअली करना ये है कि पहले तो ये क्लियर करना है कॉन्सेप्ट कि सैलरी की टैक्सेशन होती किस बेसिस पे है। तो सैलरी में बेसिस ऑफ़ टैक्सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि सैलरी हमेशा कैश बेसिस पे ही टैक्स होगी और सिर्फ और सिर्फ एरियाज़ ऑफ सैलरी की सूरत में टैक्स पेयर के पास चॉइस है कि वो चाहे तो अप्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकता है सैलरी को तो यहाँ से नतीजा ये निकला कि हमें जो जुलाई में तनख्वाह मिल रही होगी दैट विल बी ऑफ जून दो इसका मतलब उसमें इंक्रीमेंट शामिल नहीं होगा और इसी तरह जो बाकी महीनों में तनख्वाह मिलेगी वो इंक्रीमेंट के साथ होगी तो इसकी एक अगर हम कैलकुलेशन बना लें कि अगर यहाँ पे जो हमें सैलरी का डाटा दिया गया है वो चार लाख चालीस हज़ार चौ चवालीस हज़ार और चवालीस हज़ार अगर इसको मैं विदाउट इंक्रीमेंट वर्कआउट करना चाहूँ तो विद इंक्रीमेंट ये अमाउंट्स गिवन है विदाउट इंक्रीमेंट हम इसमें से यानी इसको अगर वर्क बैक करेंगे यानी इस फिगर को अगर रिज्यूम करेंगे ये 110 के बराबर है और इसको मल्टीप्लाई करें हंड्रेड से और डिवाइड करें एक से तो हमारे पास विदाउट इंक्रीमेंट वाली फिगर आ जाएगी ये फिगर हमने इसलिए कैलकुलेट की है कि एक महीने की तनख्वाह जो है वो चार लाख चालीस हज़ार और चालीस हज़ार होगी क्योंकि कैश बेसिस पे हम टैक्सेशन कर रहे हैं तो इसलिए जुलाई के मंथ में जो पैसे मिल रहे होंगे वो ये वाले होंगे और इसी तरह जो अगले ग्यारह माह में पैसे मिल रहे होंगे वे वे होंगे यानी इन अमाउंट्स को ग्यारह से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें उसमें ये वाले अमाउंट तो ये हमारी वो तनख्वाह बनेगी जो इस टैक्स नॉर्मल टैक्स ईयर में टैक्सेबल बनती है तो इस बुनियाद पे जो हमारी सैलरी की कैलकुलेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि बेसिक सैलरी कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे और इन अमाउंट्स का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है कि चार लाख चालीस हज़ार को ग्यारह से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें जमा कर देना है चार लाख तो आपके पास ये बावन लाख चालीस हज़ार रुपये बन जाएंगे और इसी तरह कन्वेंस और मेडिकल की भी कैलकुलेशन होगी नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज़ अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस और इस में बताया गया है कि फैमिली मेंबर्स uh, को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए कवर किया गया है और एनअल प्रीमियम दो लाख रुपए जो है वो एम्प्लॉयर ने अदा किया है ना ये जो इंश्योरेंस uh, है ये दैट्स मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल uh, फैसिलिटी के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि मेडिकल फैसिलिटी अगर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो फिर वो टोटली totally एक्जैम्प्ट होती है और अगर आपको मेडिकल अलाउंस और फैसिलिटी दोनों मिल रहे हों तो फिर मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाता है और मेडिकल फैसिलिटी टोटली एग्जैम्प्ट रहती है सो so ये वाला बॉक्स हमें एक्चुअली रेफ़र करना होगा इस प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए ओके okay, सो so अब यहाँ पर सवाल में क्लियरली बताया हुआ है कि ये मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ट्रीटमेंट क्या बनेगा कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी तो टोटली एग्जेम फ्राम टैक्स होगी लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली totally टैक्सेबल हो जाएगा तो इसलिए जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए एम्प्लॉयर ने खर्चा किया प्रीमियम दिया दो लाख ये तो एक्ज रहेगा लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है वो पाँच लाख चौबीस हज़ार ये फुली टैक्सेबल होगा नेक्स्ट आइटम इज़ अबाउट डेली अलाउंस ये डेली अलाउंस किस लिए इसको दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि एक असाइनमेंट पे इसने जाना था और चार लाख रुपए का डेली अलाउंस है और ये ऑफिस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ही इसको दिया गया है प्रोविज़न ऑफ़ लॉ पहले हम रेफ़र कर लेते हैं कौन सी है सो so, यहाँ पे जो प्रोविज़न ऑफ लॉ रेफ़र हमें करनी है वो स्पेशल अलाउंस से मुतलिक है और स्पेशल अलाउंस में एक क्लैरिफिकेशन एड हुई है और ये क्लैरिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है ये क्लैरिफिकेशन ये बताती है कि अगर आपको कोई अमाउंट फिक्स बेसिस के ऊपर मिल रही हो तनख्वाह के साथ हर महीने तो वो स्पेशल अलाउंस कंसिडर नहीं होगा यानी स्पेशल अलाउंस वाली एक्जेपन जो है उसके ऊपर नहीं लगेगी मतलब ये कि वो फुली टेक्सीबल हो जाएगा दूसरा ये कि अगर अलाउंस को आपने खर्च नहीं किया नॉट स्पेंट ऑन ऑफिशियल पर्पजेज ठीक है अलाउंस इज़ नॉट होली एक्चुअली और एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर आपने एक्चुअली उसको खर्च ही नहीं किया uh, दफ्तर के अखराज पूरे करने के लिए तो फिर भी वो क्या होगा uh, स्पेशल अलाउंस वाली एग्जामेशन हासिल नहीं कर सकेगा अब ये चूँकि सवाल पुरानी अटैम्प्ट का है इसमें यह क्लियरली बताया हुआ नहीं है कि इसमें ख़र्चा किसने कितना किया है एम्प्लॉई ने राइट तो अब आप यहाँ पर अपना एग्जामेशन ले सकते हो कि इस तरह की सिचुएशन हो अगर आप ये लिख दोगे कि चार लाख रुपये उसने खर्च भी कर दिए हैं ऑफिशियल पर्पज पर के लिए तो फिर तो ये चार के चार लाख रुपए एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे लेकिन अगर आप ये कहें कि उसने इसमें खर्चा नहीं किया तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा तो इट विल डिपेंड ऑन योर एग्जम्पन अब अगर सवाल आएगा तो एग्जामिनर बताएगा कि आ, उसने ख़र्चा कितना किया है ओके okay, सो so हम यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं कि इसने ये इसको बस अलाउंस मिला है इसने इसके ऊपर ऑफिस पर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्चा कुछ नहीं किया तो ये चार लाख रुपए को हम टैक्सेबल कर देंगे नेक्स्ट आइटम इज़ अबाउट बोनस ये एचआर कमेटी ने बोनस अप्रूव किया uh, 31 जुलाई 2024 को 31 जुलाई 2024 हमारा जो टैक्स ईयर है वो ख़त्म हो रहा है 30 जून 2024 को तो एच आर कमेटी ने अप्रूव किया है 31 जुलाई 2024 को और तकी ने ये पैसे रिसीव किए हैं 15 अगस्त 2024 को ये पैसे रिसीव ही हमारा टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद हो रहे हैं तो इसका मतलब इस साल की कैलकुलेशन में तो ये जो बोनस के बारह लाख रुपये हैं ये इनकम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि सैलरी कैश बेसिस पे टैक्स होती है तो ये पैसे इस साल में चूँकि मिले ही नहीं इसलिए परफॉर्मेंस बोनस की अमाउंट की वजह से कोई भी इनकम के अंदर इजाफा नहीं होगा ये जब टैक्स ईयर अगले की कैलकुलेशन होगी तो तब उस वक्त उसमें शामिल किया जाएगा न यहाँ पे पॉइंट नंबर फ़ोर ये काफ़ी ट्रिकी uh, है इसमें उन्होंने बताया कि इकतीस मार्च 2024 को ट्वेंटी फाइव ईयर्स कम्प्लीट हुए इसकी सर्विस के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि जी इनका जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाए ये लोन जो था अब एक तो ये एम्प्लॉई को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे कि उसका लोन माफ़ हो रहा है तो हमें पहले तो ये फ़ाइंड आउट करना पड़ेगा कि लोन कितना था जो माफ़ किया जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था लोन का बैकग्राउंड ये बताया हुआ है कि पच्चीस लाख रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट थी जो कि इसको फर्स्ट जनवरी दो को दी गई थी और पचास इक् इंस्टॉलमेंट्स में इसने अदायगी करनी थी मई दो को पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी थी ठीक है तो अब आपको इसमें एक्चुअली तो दो चीज़ें वर्कआउट करनी है पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो लोन था ये इंटरेस्ट फ्री लोन था ये क्लियरली मैंशनड है इस आ, इस एडजस्टमेंट में पॉइंट फोर में क्लियरली मैंशन है कि दिस इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ पच्चीस लाख रुपए तो इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट फ्री लोन है तो पहले तो ये फ़ाइंड आउट करें कि एम्प्लॉ को जो लोन माफ़ हुआ वो कितना था ये हमें ये फ़ाइंड आउट करने की ज़रूरत किस लिए है ये इसलिए ज़रूरत है कि हमने ये सैलरी के चैप्टर में ही पढ़ा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई वेव्ड बाय एम्प्लॉयर कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो कोई ऑब्लिगेशन माफ़ कर दे तो जितनी भी अमाउंट वेव ऑफ होती है वो टैक्सेबल मानी जाती है ठीक है जी तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी अमाउंट उसको माफ़ कर दी जाएगी कर्ज़ की वो फिर सेल इनकम में शामिल होगी तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो लोन की एक्चुअली अमाउंट कितनी थी जो इसको माफ़ की गई तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बनानी पड़ेगी आप लोन का अमाउंट लिखें 25 लाख रुपए और फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स की कैलकुलेशन बनाएँ मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा एक कैलकुलेशन बना ली यानी एक एक इंस्टॉलमेंट माइनस करके बनाया हुआ है आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये फ़ाइंड आउट कर लें कि मई दो हज़ार इक्कीस को पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो मई दो हज़ार इक्कीस से लेकर जून दो हज़ार तेईस तक कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं सो मई दो हज़ार इक्कीस को पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी पचास हज़ार माइनस करोगे बैलेंस चौबीस लाख पचास हज़ार बनेगा इस तरह आगे आप कैलकुलेशन बनाते हैं और Uh, लेकिन एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है आपको ये पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है आप सिंपली ये कर सकते हैं कि uh, काउंट uh, कर लें कि कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी जून 2023 तक टोटल 26 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं तो छब्बीस को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें पचास से तो वो अमाउंट बन जाएगी जो एक्चुअली मिस्टर तकी ने पे ऑफ़ कर दी है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी बनेगी उसको जब आप जो लोन की अमाउंट है पच्चीस लाख रुपये उसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब साल शुरू हो रहा था ये वाला यानी जुलाई 2023 हज़ार तेईस यकम जुलाई दो को जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी वो 12 लाख रुपए थी ठीक है अब ये 12 लाख रुपए थी और इंस्टॉलमेंट्स क्योंकि एडवांस में हम कर रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जुलाई को जब आप पहली इस साल की पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे फर्स्ट जुलाई को फर्स्ट डे पे तीस जून दो हज़ार तेईस पे बारह लाख रुपये आउटस्टैंडिंग थे पचास हज़ार रुपये आपने फर्स्ट जुलाई को अदा किए तो ग्यारह लाख पचास हज़ार आउट हो गए ठीक है अब जो इंटरेस्ट फ्री लोन होते हैं आ, उसके ऊपर एक मार्कअप भी कैलकुलेट करना होता है पहले हम ज़रा ये वर्कआउट कर लेते हैं कि मार्च दो हज़ार चौबीस इकतीस मार्च दो हज़ार चौबीस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि वो लोन वेव ऑफ कर देंगे तो मार्च दो हज़ार चौबीस पर कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी साढ़े सात लाख रुपये ठीक है अब ये जो साढ़े सात लाख रुपये माफ़ हुए एक तो ये सीधा सैलरी इनकम में चला जाएगा दूसरा कैलकुलेशन आपने बनाना होगा दैट विल बी फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन सो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है उसके केस में हम क्या करते हैं उसके केस में हम करते ये हैं कि 10 परसेंट से मार्कअप जो है कैलकुलेट करते हैं और वो सेल इनकम में शामिल करते हैं जो टेन परसेंट का रेट है ये पर एन होता है ठीक है अब आप यहाँ पे सवाल में अगर देखें तो हर मंथ जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो चेंज हो रहा है राइट जुलाई में जो आउटस्टैंडिंग है वो ग्यारह लाख पचास हज़ार है ये ग्यारह लाख पचास हज़ार कितना सा आउटस्टैंडिंग रहा सिर्फ एक महीना जुलाई के मंथ में क्योंकि फिर अगस्त में आपने दोबारा इंस्टॉलमेंट पे कर दी ग्यारह लाख रुपये आउटस्टैंडिंग रहा तो इसका मतलब हर महीने की अमाउंट डिफरेंट है तो आपको टेन परसेंट से मार्कअप कैलकुलेट करना होगा ग्यारह लाख पचास हज़ार पे लेकिन एक महीने का और इसी तरह ग्यारह लाख पे एक महीने इसकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी इफ आई इफ आई जस्ट एक्सप्लेन दिस तो ग्यारह लाख पचास हज़ार को आप मल्टीप्लाई करेंगे टेन परसेंट से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय ट्वेल्व से तो वो एक महीने का मार्कअप आ जाएगा टेन परसेंट के हिसाब से इसी तरह ग्यारह लाख रुपए को आप मल्टीप्लाई करेंगे टेन परसेंट से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई ट्व से तो वो फिर एक महीने का मार्कअप आ जाएगा यह कैलकुलेशन आप उस वक्त तक बनाएंगे जब तक लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट वन मिलियन है वन मिलियन से जो ही बैलेंस नीचे जाएगा तो इसी जो सेक्शन है इसमें ये बात कही गई है कि आपने जो ये जो बेंच मार्क रेट वाला कैलकुलेशन है ये कब तक अप्लाई करना है जब तक लोन का अमाउंट वन मिलियन तक हो जूँ ही वन मिलियन से नीचे जाएगा तो आपने फिर ये टेन परसेंट की कैलकुलेशन नहीं बनानी तो इसका मतलब ये है कि जूँ ही ये नौ लाख पचास हज़ार होगा मैं बेंच मार्क रेट पर कैलकुलेशन नहीं बना रहा हूँ तो अब अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर बना लूँ हर महीने की और उस महीने तक जब तक प्रिंसिपल वन मिलियन है तो ये टोटल अमाउंट मेरे पास बन जाती है पैंतीस हज़ार ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप की सैलरी इनकम में इस इंटरेस्ट फ्री लोन की वजह से एक तो साढ़े सात लाख रुपए जो माफ हुए वो इनकम में जाएंगे और पैंतीस हज़ार आठ सौ तैंतीस रुपये का मार्कअप है जो क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री लोन था आखिरी वक्त तक तो ये सारे का सारा ये दोनों अमाउंट जो हैं ये सैलरी इनकम में शामिल की जाएंगी तो अब आपकी सैलरी इनकम में एक तो जो

तो फिर आप डायरेक्टर की हैसियत में कर रहे हैं ठीक है और जो डायरेक्टर डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का टैक्स पर्पज़िज़ के लिए वो सैलरी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में शामिल किया गया है सो तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स डायरेक्टरशिप ऑफ और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्विंग इन्वाल्व इन मैनेजमेंट ने ऑफ द कंपनी तो इसका मतलब ये है टैक्स लॉ की नज़र से जो डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिल रहे हैं वो सैलरी इनकम में शामिल किए जाएंगे नतीजा ये होगा कि ये एक लाख रुपए आपके जो बोर्ड मीटिंग फ़ीस आपको मिली है ये सैलरी इनकम में शामिल की जाएगी इसका हेड ऑफ़ इनकम जो है वो सैलरी का होगा और एक लाख रुपये आप सैलरी इनकम में शामिल करेंगे नेक्स्ट आइटम इज़ विध होल्डिंग टैक्स विध होल्डिंग टैक्स जो है वो तो बहुत ही सिंपल एक आइटम है इसको बस आपने याद रख लेना है कि ये टू मिलियन जो है टैक्स काटा गया है और इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है हमारी टैक्स कैलकुलेशन में ये सेकंड लास्ट आइटम होता है जो हम लिखते हैं और बेहतर ये होगा कि अगर आप इसकी पेज के ऊपर एक वर्किंग बनाएं और इसको अलहदा से लिख लें क्योंकि एक से ज़्यादा किस्म के कि अगर विद होल्डिंग टैक्सेज हों सवाल में तो फिर उनको आपने एडअप कर लेना होता है तो मैं इसकी एक वर्किंग थ्री बना लेता हूँ और उसमें सिर्फ लिख लेता हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो टू मिलियन का है जो सैलरी से काटा गया है सो नेक्स्ट जो आइटम ये वन और टू तो हम डिस्कस कर चुके हैं ये इंक्रीमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा था पॉइंट नंबर थ्री है, है कि तकी ने अपना घर जो है वो रेंट पे दिया अपने कज़न को और पंद्रह लाख रुपए इसने रेंट लिया इस रेंट में शामिल है अमेनिटीज़ और यूटिलिटीज़ के भी पैसे जो कि पच्चीस हज़ार पर मंथ हैं और एनअल रेंट ऑफ सिमिलर हाउस और विध विथ सेम अमेनिटीज़ यूटिलिटीज़ इज़ अट्ठारह लाख रुपये अब आपको दो पॉइंट्स यहाँ पर ख़ास तौर पर नोट करने क्योंकि ये प्रॉपर्टी का हेड ऑफ़ इनकम है तो वी विल मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी का हेड ऑफ़ इनकम ठीक है सो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ़ इनकम में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक तो ये कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इसको कंपेयर करना होता है फेयर मार्केट रेंट से और विच एवर इज़ हायर इस टैक्सीबल जो हायर अमाउंट होगी वो हम लेंगे तो so, यहाँ सवाल में फेयर मार्केट रेंट भी बताया हुआ है और एक्चुअल रेंट भी बताया हुआ है दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई अमाउंट एमैनिटीज़ यूटिलिटीज़ की लेते हैं कनेक्टेड विद रेंटिंग तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोसेज मिले जाना है ठीक है सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सो यहाँ से नतीजा क्या निकला नतीजा ये निकला कि आप एक तो आ, सबसे पहला काम ये करें कि एक अलीहदा से वर्किंग बनाएँ प्रॉपर्टी के हेड ऑफ़ इनकम के लिए और उसमें फिर आप इन आ, ये जो दोनों हमने ट्रीटमेंट्स अभी डिस्कस किए हैं उसको एलेबरेट करें सो यू विल राइट हियर कि जनाब जो एनुअल रेंट है वो पंद्रह हज़ार एक्चुअली है लेकिन फेयर मार्केट रेंट जो है वो तो सॉरी वन पॉइंट फाइव मिलियन पंद्रह लाख है जबकि फेयर मार्केट रेंट अट्ठारह लाख ,00 है तो हायर इसमें से अठारह लाख हुआ तो अट्ठारह लाख फिर भी द okay. फिगर जिसके ऊपर हमारी कैलकुलेशन बेस्ड होगी इसमें से आप माइनस कर दें यूटिलिटीज़ के पैसे जो कि पच्चीस हज़ार पर मंथ के हिसाब से हैं सो तो पच्चीस हज़ार पर मंथ के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो आप माइनस करें ये तीन लाख रुपए जो आपने निकाले हैं यहाँ अट्ठारह लाख में से इसको फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे तो इसका मतलब रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो बनेगा वो पंद्रह लाख बनेगा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिकॉल uh, करनी है वो ये कि अलाएबल एक्सपेंसिस में बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस ये एक कंपलसरी एक्सपेंस होता है चाहे सवाल में दिया हो चाहे ना दिया हो ये बिल्डिंग के केस में आपने लाजमी माइनस करना है वन फिफ्थ ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स तो यहाँ पे जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स आपने पंद्रह लाख रुपए बनाया है उसमें से uh, जो बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस है जो कि वन फिफ्थ होगा पंद्रह लाख का सो वो तीन लाख रुपए ही बनता है तो वो आप माइनस करेंगे तो बारह लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी इनकम बनेगी साथ ही आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी एक वर्किंग बना लें जिसमें आप ये अमेनिटीज़ और यूटिलिटीज़ के पैसे जो हैं वो मैंशन कर लें कि तीन लाख रुपये जो भी आपने ऊपर माइनस किए थे वो आप इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में आ, लेकर जाएंगे और उसको अलहदा से मैंशन कर लेंगे नेक्स्ट जो आइटम सवाल में दिया गया है दैट इज़ अबाउट शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सो पंद्रह हज़ार शेयर्स हैं जो इसने लिए लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं और प्राइवेटाइजेशन कमीशन से लिए हैं साठ रुपए के लिए हैं और फिर उसके बाद पचासी रुपये के बेच दिए तो लिस्टेड कंपनी का शेयर वो डेफिनीशन uh, में आता है सिक्योरिटी का सो दिस इज़ एन आइटम विच रिलेट्स टू कैपिटल गेंस और कैपिटल गें्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में है शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आपका चैप्टर था उसमें आप ये पढ़ चुके हैं कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है कि जिसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर ट्रेड होते हैं तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसका मतलब वो क्या हुआ पब्लिक कंपनी राइट यहाँ से आपको पता चला कि अगर वो अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाती है और अगर आपके पास शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास क्या है आपके पास सिक्योरिटी है ठीक है सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी क्लियर हो गई जी बात सो so, इसका मतलब ये तो सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी का जो कैपिटल गेन है उसको हम क्या करते हैं कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटी जो है उसको हम आ, उसको हम ट्रीट करते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम सो ये हमारे पास सिक्योरिटीज और ये कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज़ जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता है इसके लिए अलग से रेट ऑफ टैक्सेस हैं ये रेट ऑफ टैक्सेस आपको एग्जाम में गिवन होते हैं ओके सो अब जब ब्लॉक का ट्रीटमेंट समझ आ गया तो हम एक वर्किंग बनाएंगे कैपिटल uh, गेंस के लिए और उसमें हम अलग से मैंशन करेंगे कि हमने कैपिटल गेन जो है वो एक्चुअली अर्न कितना किया है सो कैपिटल गेन की वर्किंग आप इस तरह से बनाएंगे कि पचासी का डिस्पोजल uh, है और साठ रुपये का आपने आपकी कॉस्ट है इसका डिफरेंस जो है वो पंद्रह हज़ार शेयर्स हैं तो ये कैलकुलेशन आप बनाएंगे तीन लाख पचहत्तर हज़ार सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कैपिटल गेंस में जाएगा सो क्वाइट सिंपल इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज़ अबाउट बोनस शेयर्स और इकतीस अगस्त दो हज़ार तेईस को आपको मिले पाँच हज़ार इन बोनस शेयर्स फ्राम आर एन एन फ्रॉम ए एल अलिस्टेड कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स वॉज बाइस पर शेयर ना ये जो बोनस शेयर्स हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बोनस शेयर्स के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि बोनस शेयर्स जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स इसमें मैप है कि कंपनी जब बोनस शेयर्स देगी तो टेन परसेंट विद होल्ड कर लेगी और टेन परसेंट शेयर्स उस देगी जब टेन परसेंट शेयर्स के बराबर जो उनकी मार्केट वैल्यू के बराबर पैसे हैं वो शेयर दे होल्डर दे देगा तो ठीक है सो so, ये इसका इम्पैक्ट इसका इन अ अटछल इम्पैक्ट क्या है इम्पैक्ट ये है कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बोनस शेयर उसको मिलेंगे तो उन बोनस शेयर्स की जो भी मार्केट वैल्यू है उसका टेन परसेंट उससे टैक्स लिया जाएगा और वो टैक्स क्या होगा वो दैट टैक्स विल बी फाइनल टैक्स तो इसका मतलब ये एफ़ टी आर का आइटम है फाइनल टैक्स जिम का आइटम है और बोनस शेयर्स जो हैं वो वैसे भी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में uh, आते हैं सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ की ही वर्किंग में हम एक कॉलम बना लेंगे एफ का और बाईस रुपये का अगर शेयर है और पाँच हज़ार शेयर हैं तो ट्वेंटी टू को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइव थाउजेंड से तो व्हाट यू विल गेट इज़ एक लाख दस हज़ार ठीक है सो अगर मैं इसको आपको एक दफ़ा नोट्स में दिखा दूँ कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ा है तो इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में हमने इनकम वाले पार्ट में ये आखिरी आइटम बोनस शेयर है सो so, बोनस शेयर्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहा गया है ठीक है so, तो इसलिए इसका हेड ऑफ़ इनकम हम बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और एफ टी आर में इसको रखेंगे जो लास्ट आइटम है दैट इज़ अबाउट डिविडेंड और डिविडेंड जो है वो आपको कितना मिला है एक लाख पचास हज़ार ये कैश डिविडेंड है और इस कैश डिविडेंड में से टैक्स भी विदहोल्ड किया गया है और वो थर्टी परसेंट गलती से उन्होंने कहा जी के नॉन एक्टिव समझ के उसको थर्टी परसेंट टैक्स विद होल्ड कर लिया इसके मतलब एक लाख पचास हज़ार की जो अमाउंट है ये सत्तर के इक्विवेलेंट है हमने इसको हमेशा ग्रॉस करना होता है और ग्रॉस अप करने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि एक लाख पचास हज़ार को मल्टीप्लाई करेंगे वन हंड्रेड से और आप डिवाइड करेंगे इसको सेवेंटी से तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो ग्रॉस डिविडेंट बनता है ग्रॉस डिविडेंट हमने इसलिए कैलकुलेट करना होता है कि हमने इनकम की जब कैलकुलेशन बनानी होगी तो ये जो ग्रॉस अमाउंट बन रही है दो सौ चौदह दो सौ छियासी ये हम देंगे और जो टैक्स आपसे लिया गया है यानी अगर दो सौ चौदह दो सौ छियासी और एक लाख पचास हज़ार का डिफरेंस लें तो वो बनता है चौंसठ हज़ार दो सौ छियासी ये टैक्स वो है जो विदहोल्ड कर लिया गया है जो टैक्स विधोल्ड कर लिया जाता है डिविडेंड पे उसको फ़ाइनल टैक्स नहीं कहा जाता बल्कि जो टैक्स इम्पोज़ होता है एक्चुअली वो फ़ाइनल टैक्स होता है तो अब हम जब अपनी वर्किंग्स फ़ाइनल करेंगे तो फिर हम वो टैक्स इम्पोज़ कैलकुलेट कर लेंगे सो टे, विध होल्डिंग टैक्स उस वक्त होता है जब डिविडेंड मिल रहा होता है और टैक्स इंपोज उस वक्त होता है जब आप साल ख़त्म होने के बाद अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे होते हैं ठीक है सो ये दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू तो अब हमारी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी वर्किंग्स में जा चुकी है हम अपनी वर्किंग को कंक्लूड करने लगे हैं पहले मैं मल्टी कॉलमर वर्किंग बनाऊंगा जो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए एक ज़्यादा बेहतर तरीका है और इस वर्किंग के कम्प्लीट होने पर मैं आपको सिंगल कॉलमर वर्किंग भी दिखा दूँगा ताकि अगर किसी को समझना हो के सिंगल कॉलम में अगर मैंने बनानी है वर्किंग तो वो कैसे बनेगी सो so, आपके पास नॉर्मल टैक्स जीम है सवाल में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है एफ है और इससे आप टोटल इनकम बनाएंगे तो एक एक करके अपनी वर्किंग्स को टोटल करते जाते हैं सबसे पहली जो हमारी वर्किंग है दैट इज़ सैलरी इसका टोटल बनाएं तो इट इज़ सेवन फाइव सेवन थ्री डबल एट थ्री और आप अपनी जो पहला हेड ऑफ़ इनकम है नॉर्मल टैक्स जीम में उसको मेंशन कर लें कि ये वर्किंग वन से हमारे पास ये फिगर आ गई उसके बाद जो दूसरी आपकी इनकम है दैट इज़ कमिंग फ्राम इनकम फ्राम प्रॉपर्टी सो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ़ इनकम में जो आपने टोटल बनाया था वो बारह लाख रुपये था और अब आप अपनी इस मेन वर्किंग के अंदर इस वर्किंग फाइव का रेफरेंस डाल के प्रॉपर्टी की इनकम मेंशन कर लें बिजनेस uh, के हेड ऑफ़ इनकम में आमदनी नहीं है बल्कि uh, आपके पास इस सवाल में कैपिटल गेंस में है तीन लाख पचहत्तर हज़ार लेकिन ये तीन लाख पचहत्तर हज़ार सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो इसलिए मैं इसको कैपिटल गेंस में लिखूँगा और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम तीन लाख पचहत्तर हज़ार रुपये आ जाएंगे नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखें तीन अमाउंट्स है एक नॉर्मल टैक्स टैक्सीजी में तीन लाख रुपए जो यूटिलिटीज़ के हैं और एफ़ टी आर में एक लाख दस हज़ार रुपये जो बोनस शेयर्स के हैं और एफ टी आर में ही डिविडेंड की इनकम है जो कि दो लाख चौदह हज़ार दो सौ छियासी रुपए है तो आप रेलिवेंट कॉलम्स के अंदर इन अमाउंट्स को मैंशन कर लें तो so, ये आपकी सारी इनकम्स आ गई जी अब आप टोटल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं टोटल इनकम के बारे में याद रखें कि इसमें नॉर्मल टैक्स जीम की इनकम इसमें सेपरेट ब्लॉक इसमें इस एफ टी आर इसमें एग्जाम्ट इनकम्स सारी की सारी शामिल होती हैं तो आपकी टोटल इनकम का फिगर बनेगा नाइन डबल सेवन थ्री वन वन नाइन लेकिन अब एन टी आर की फिगर्स आगे चलेंगी एन टी आर की फिगर्स में से आप माइनस करेंगे डिडक्टिव अलाउंसेस जो कि इस सवाल में नहीं है तो इसलिए टैक्सीबल इनकम भी वही बनेगी जो नॉर्मल टैक्सी जीम में आपने फिगर बनाई थी नाइन जीरो सेवन थ्री डबल एट थ्री जब आप नॉर्मल टैक्सी जीम की से को आगे लेकर चलेंगे तो आपके पास टैक्सीबल इनकम आ जाएगी और टैक्सीबल इनकम के ऊपर फिर अब आपने सेवेंटी फाइव परसेंट मल्टीप्लाई करना है ताकि आप ये फ़ैसला कर सकें कि क्या यह सैलड पर्सन है या नॉन सैलड तो टैक्सीबल इनकम का जब आप सेवेंटी फाइव परसेंट बनाओगे तो पता चला ये बना तेरह लाख इकसठ हज़ार सात सौ पाँच और अब आप ये देखोगे कि क्या मेरे सैलरी के हेड ऑफ़ इनकम में इससे ज़्यादा पैसे हैं जी हाँ बिल्कुल ज़्यादा पैसे हैं सेवन पॉइंट फाइव मिलियन है वहाँ पे तो इसलिए जो आपकी जो ये पर्सन है ये सैलरीड पर्सन कहलाएगा सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स अब आप इसके ऊपर लगाएंगे टैक्स रेट्स आपको गिवन होंगे एग्जाम में सिक्स स्लैब लगेगा आपकी टोटल टैक्स जो टैक्सीबल इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स इम्पोज वर्कआउट कर लेंगे इसी तरह सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो था जिस जो सिक्योरिटीज़ वाला था उसके लिए साढ़े बारह परसेंट का रेट है एग्ज़ाम में गिवन होता है इसी तरह टेन परसेंट का रेट है बोनस चेयर के लिए एग्ज़ाम में गिवन होता है और इसी तरह डिविडेंड के लिए पंद्रह परसेंट का रेट है एग्ज़ाम में गिवन होता है सो आप ये ग्रॉस अमाउंट्स के ऊपर एफ टी आर की और सेप्रेड ब्लॉक ऑफ इनकम की इसके ऊपर लहदा से टैक्स वर्कआउट कर लें अगला जो काम आपने करना होता है वो टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने होते हैं टैक्स क्रेडिट्स इस सवाल में नहीं है तो टैक्स पेएबल भी यही बन जाएगा और फिर आपने विद होल्डिंग टैक्सेस माइनस करने हैं विद होल्डिंग टैक्सेस जिस जिस इनकम से रिलेट करते हैं जैसे टू मिलियन का विधहोल्डिंग टैक्स था सैलरी का और चौंसठ दो सौ छियासी था आपके डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स विदहोल्ड हुआ था वो आप माइनस कर देंगे अब अगर आप ये जो एंड पे फिगर्स बन रही हैं यानी कि एक लाख सत्तर हज़ार आठ सौ बयालीस छियालीस आठ सौ पचहत्तर ग्यारह हज़ार और बत्तीस एक सौ छिया एक सौ तिरतालीस ये नेगेटिव फिगर बन रही है तो इन सब फिगर्स को आप नेट ऑफ कर लें तो ये वो टैक्स होगा जो आपने अदा करना है अब अगर आप यही सारी कैलेशन समझ चुके हैं तो अब आप सिंगल कॉलम में भी कैलकुलेशन बना सकते हैं और वो कोई बड़ा मसला नहीं है फिगर्स सेम रहेंगी आप इसमें देख सकते हो कि जो आ, टोटल इनकम है वो फिगर क्या बना है यहाँ पे नाइन डबल सेवन थ्री वन वन नाइन और सेम नाइन डबल सेवन थ्री वन वन नाइन यहाँ पर है सिर्फ इस सिंगल कॉलम प्रेजेंटेशन में और इस मल्टी कॉलम प्रेजेंटेशन में आ, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो जब हम बना जो जब आप टोटल इनकम बना रहे होते हैं तो टोटल इनकम बनाते वक्त आपने जितनी भी एफ़ टी आर इनकम्स हैं और जितनी भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स हैं वो शामिल करनी होती हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने टोटल इनकम बनाया जब मैं टोटल इनकम बना रहा था सिंगल कॉलम कैलकुलेशन में तो एफ़ टी आर इनकम्स मैंने अलीह से शामिल की थी और फिर उसके बाद मैंने दोबारा एफ़ टी आर और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स को निकाल दिया ताकि मैं टैक्सीबल इनकम बना सकूँ नाइन जीरो सेवन थ्री डबल एट थ्री तो नाइन ज़ीरो सेवन थ्री डबल एट थ्री यहाँ पर भी हमने वर्कआउट किया है फिर उसके बाद आप टैक्स वर्कआउट करते हैं और ये जो टैक्स है ये नॉर्मल टैक्सी जीम की फिगर्स का पहले वर्कआउट करते हैं आप और उसके बाद एफ़ टी आर के टैक्सेस को ऐड करते हैं ये सारे टैक्सेस वो हैं ये सारे टैक्सेस वो हैं डबल टू सिक्स जीरो एट सिक्स जीरो जिसका टोटल बना ये कौन से टैक्सेस हैं ये वो हैं जो आपने यहाँ पे टैक्स इंपोज के सामने लिखे थे ठीक है ये सारे वो टैक्सेस हैं और फिर उसके बाद आप इसमें से माइनस करते हैं विद होल्डिंग ये सारे विद होल्डिंग वो हैं जो आपने यहाँ पे ये नेगेटिव फिगर के तौर पे लिखे रहे ठीक है सो दिस इज़ इट इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उस पर बात करेंगे थैंक यू वेरी मच टेक केयर